जी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जी पावर का। ठीक है, पावर क्या है हमारे पास, इसको आप डिफाइन करते हैं पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क, और मैथमेटिकली आप इसे यूं लिखते हैं डब्ल्यू बाई टी से लिखते हैं, और यहाँ पे आप इसको एवरेज पावर कह रहे हैं क्योंकि अभी हम टोटल वर्क और टोटल टाइम ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो, ठीक है, अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को शॉर्ट करेंगे। टाइम इंटरवल को शॉर्ट करने का मतलब है कि आप लिमिट लगाएंगे कि टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया। सो एक एवरेज पावर में क्या होता है, टोटल टाइम लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या होता है कि हम वो टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर देते हैं। उसके लिए फिर हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि लिमिट लगा दें। लिमिट अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि इंतहाई स्मॉल करना किसी चीज़ को, जीरो नहीं करेंगे आप, ठीक है, स्मॉल करेंगे इसमें। अच्छा, फिर ये याद रखें कि अगर पावर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो तो याद रखें पावर क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यानी वो जो वर्क हो रहा होगा यूनिफॉर्म रेट के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आप देखें कि पावर से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं। देखिए, पावर की यूनिट आप क्या कहते हैं जी, वाट है, और वन वाट क्या होता है जी, वन जाउल पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर यूनिट्स में देखें, ये जो यूनिट्स हैं इसकी, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है, लेकिन ड्राइव्ड यूनिट है, ये एसआई डिराइव्ड है। एसआई बेस क्या होंगी, देखें, वन वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन मीटर, और न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, किलोग्राम, नीचे सेकेंड भी आप लिखेंगे यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्केयर, फिर ये साथ में आपके पास एक मीटर ये भी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यूँ लिख लेते हैं इसे। ठीक है, यानी वाट किसके इक्वल है, जाउल पर सेकंड है, जाउल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, ये सेकंड को ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, किलोग्राम मीटर स्केयर एस माइनस थ्री आ जाएगा। सो ये पावर की कौन सी यूनिट है, ये पावर की बेस यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं, बेस एसआई यूनिट्स। ठीक हो गया, सो क्लियर हो गया। पावर को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कहते हैं, और इसको एवरेज पावर कहेंगे, लिमिट लगाएंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो तो इसका मतलब पावर विल बी यूनिफॉर्म। यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी ड्राइव कौन सी है, ऐसे यूनिट कौन सी है, और फिर उसके बाद इसकी डायमेंशंस देखें क्या है। यहीं से बेस क्वांटिटी से डायमेंशन निकलती है, ड्राइव से नहीं, बेस कोई डायमेंशन में लिखना है आपने। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी हमारे पास, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, ये इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक हो गया, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री इसकी क्या होंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी। अच्छा, आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। अगर हम एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लें, एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लें, तो स्लोप क्या होता है नहीं, वाई ओवर एक्स होता है, एक्स पे क्या है, एनर्जी है, वाई पे क्या है, टाइम है, तो ये आपको क्या देगी, ये पावर देगी। एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी, आपको पावर देगी। ठीक है, स्लोप यहां से भी निकल सकती है, अगर फर्ज करें कि आपको डाटा नहीं गिवन ना, y एक्सिस और x एक्सिस, तो फिर आपको फर्ज करें कि एंगल गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, वो कहते हैं पावर बताएं, तो फिर आप पावर कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, टेन 60 लगाएंगे, तो टेन 60 अंडर रूट 3, तो ये पावर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं पावर, और स्लोप यानी वाई और एक्स से भी कर सकते हैं, तो ये दोनों तरीकों से हम पावर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, अगर आपके पास ये है ना रिलेशन कि पावर आपको पता है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है, फिर एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम है, तो पावर इंटू टाइम अगर ग्राफ हो तो स्लोप कैसे निकलेंगी, बताएं जल्दी से इसको कमेंट्स में बताएं क्या होगा। ठीक है, पावर और टाइम का ग्राफ हो तो एनर्जी कैसे निकलेगी, स्लोप से निकलेगी कि एरिया से निकलेगी। देखिए, मल्टीप्लीकेशन का जब केस हो ना तो आप फिर एरिया निकाला करते हैं,
जब आपको पता है कि दो चीज़ों को, दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है, तो आपने फिर क्या करना है, एरिया निकालना है। तो जब अब आप एरिया निकालेंगे तो अब आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और डिवाइड का केस हो, जैसे एनर्जी टाइम को डिवाइड करें तो पावर आती है, तो फिर आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें पावर की जो कमर्शियल यूनिट हम यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, वो कमर्शियल यूनिट किलो वाट हम यूज़ करते हैं, यानी 1000 वाट कह लें, ठीक है। और एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या यूज़ करते हैं, किलो वाट आर यूज़ करते हैं, जिसको आप क्यों कह सकते हैं कि ये 10 की पावर किलो वाट आर कितना होता है, 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है, ठीक है, 1 किलो वाट आर। तो ये माइंड में आपने रखना है कि किलो वाट कमर्शियल यूनिट है पावर की, किलो वाट आर कमर्शियल यूनिट किसकी है, एनर्जी की है। तो ये मैंने बेसिक्स इसकी बताई है आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अच्छा नेक्स्ट देखेंगे आप लोग पावर एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा देखें, फार्मूला हमारे पास था ना वर्डन का, हल्की फुल्की डेरिवेशन जो है वो अगर हो तो हम वो कर ही लेते हैं इसमें, ठीक है। लंबी डेरिवेशन हो तो फिर तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं, क्योंकि फार्मूले डेरिवेशन आपको पता है इंटीडेस्क का पार्ट नहीं होती, आमतौर पर फार्मूले से हमने MCQs निकालने होते हैं, ठीक है। तो पावर का फार्मूला हो गया वर्डन का फार्मूला F.D, नीचे आ गया टाइम। अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, ये वेलोसिटी बन रही है, सो F.V कह देंगे। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी होता है, ये याद रखते हैं, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और अगर हम डॉट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F.V cos theta, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर का और वेलोसिटी के फर्दर देखें क्या रिलेशंस हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फोर्स एंड वेलोसिटी का जो एंगल है ना वो डिसाइड करेगा कि पावर क्या होगी। पहले एक सवाल लेके, क्या पावर नेगेटिव हो सकती है, जी क्या पावर नेगेटिव हो सकती है। फॉर्मूले में देखें, अगर फॉर्मूले से देखें तो फिर तो पावर नेगेटिव होगी। तो अगर थीटा 180 हो, ठीक है, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस FV आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि पावर नेगेटिव हो सकती है। तो देखिए फॉर्मूला जी पावर का हमारे पास FV cos theta, ठीक है। अब फर्ज करें कि हमारे पास थीटा जो है इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, देखें फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई हुई है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। रिजल्ट क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो याद रखें पावर पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो पावर कह रही, पावर पॉजिटिव है, FV कह लें, क्योंकि थीटा जीरो आ जाएगा। और हिंट्स क्या हैं, या थीटा जीरो लिखा होगा, या पैरेलल का लफ्ज़ लिखा होगा फोर्स एंड वेलोसिटी में, या फिर एंगल 90 है, सॉरी इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट इस तरह से है और ये इसकी वेलोसिटी है, फोर्स यूं लग रही है ऑपोजिट साइड, एंगल कितना हुआ, 180 हुआ, कॉस 180 कितना होता है, माइनस, ठीक है। तो ये इस रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करे, ये भी हिंट सही है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज, जारी बात ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, उस वक्त भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो पावर क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें थर्ड केस क्या हो सकता है इसका, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में क्या होगा कि ये फोर्स है और वेलोसिटी लॉन्ग टेंजेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिर क्या होगा, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं सर्कुलर मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप UC लिख लें, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होगा, एक ही फोर्स होती है जिसको आप सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं, वेलोसिटी कहां होती है, लॉन्ग टेंजेंट होती है, एंगल कितना हुआ, 90 हुआ, तो ये पावर क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर जीरो होती है, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। अच्छा एग्जांपल, कोई एग्जांपल कह रही वर्डन, या सॉरी यूं कह लें बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, FC लिख लेते हैं, चलें बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, हर सर्कल में पावर जीरो नहीं होती, ये भी माइंड में रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पावर नेगेटिव है। वेलोसिटी डिक्रीज कब कर रही होती, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेकिंग फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे सूरत में जब आप गाड़ी चला रहे हैं इंजन ऑफ कर दें, उस वक्त क्या होगा, फ्रिक्शन अपोज करना शुरू कर देगी, बेशक ब्रेक ना भी लगाएं, फ्रिक्शन अपोज करना शुरू कर देगी, ठीक है। वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड पे, और फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे, तो एंगल 180। उस वक्त पावर ड्यू टू फ्रिक्शन फिर वो नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर इंजन फोर्स लगाता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो पावर ड्यू टू इंजन फोर्स क्या हो जाएगी, वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एमसीक्यूज में की वर्ड्स हैं सारे ये, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई की पॉइंट जो होता है वो आपका क्वेश्चन का आंसर वही बना रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें इसमें फर्दर और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर आपको पता है कि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कल होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे पावर का फॉर्मूला आप लगाते हैं एफ इंटू वी, अब पावर का फॉर्मूला आप लगाएंगे, एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा और वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। इसको बोलते हैं रोटेशनल पावर, इसको बोलते हैं रोटेशनल पावर, ठीक है। तो ये रोटेशनल पावर आ जाएगी आपके पास। देखें पावर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ही है ना, लेट से, और एक फोर्स आप ये भी लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया और ये आर हो गया, देखें ये एंगल 90 बन गया, तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी आ रही होगी, ठीक है। तो आप टॉर्क बनता है ना, एफ को आर से मल्टीप्लाई कर लें तो टॉर्क आ जाएगा। ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पावर है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर नहीं है, ये माइंड में रखना है आपने। नेक्स्ट आप देखें और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें, जो कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आप आएंगे कि कीवर्ड्स और क्या हो सकते हैं जो आपका आंसर बनाने में मदद करेंगे, आंसर को ढूंढने में मदद करेंगे। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर तो लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, अगर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब है देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ का ये आ गया कि फ्रिक्शन नहीं है, और वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, पावर क्या होगी, एफ इंटू वी, पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पावर जीरो होगी, नेट पावर जीरो होगी। इस वक्त कोई पावर नहीं लगा रहा, ना कोई इंजन, फर्ज करें एक कार है, आप उसको चला रहे हैं, चलाते हुए इंजन ऑफ कर दें उसका, और कार एक ऐसी सरफेस पे है जहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, उस वक्त कोई फोर्स नहीं होगी, ना इंजन फोर्स लगा रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो जिस स्पीड से चलती है वो चलती रहेगी, बगैर फोर्स के चलती रहेगी, इसका मतलब पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ना इंजन फोर्स लगा रहा है, पावर ड्यू टू इंजन भी जीरो है, पावर ड्यू टू फ्रिक्शन भी जीरो है, और नेट पावर भी क्या है, जीरो, तीनों तरफ से जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, अगर यही क्वेश्चन हो, लिखा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्लस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, जैसे कार है, इसमें कीवर्ड क्या है, ये एक रफ है, और बाकी ये कीवर्ड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। सो अगर कोई कार है वो रफ सरफेस पे जा रही है, इसका मतलब देयर इज फ्रिक्शन, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए इंजन फोर्स लगाएगा, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए इंजन को फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर फ्रिक्शन अगर हैवी होगी तो फिर गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए और फ्रिक्शन के अगेंस्ट इंजन को फोर्स लगानी पड़ेगी, पावर लगानी पड़ेगी, अब पावर क्या होगी, ठीक है। देखें अगर तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अब पावर जीरो नहीं होगी इस केस में, क्योंकि फोर्स लगानी पड़ेगी इंजन को, हाँ नेट पावर जीरो होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
आप कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, तो फिर पावर तो जीरो होनी चाहिए, बिकॉज पावर जीरो होगी, लेकिन कौन सी जीरो होगी? नेट पावर जीरो होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहे कि पावर, अक्सर क्वेश्चन आता है नेट पावर का नहीं आता, बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिखा हुआ है और आंसर भी जीरो नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, इंजन को तो फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ताकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे, तो पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन क्या होगी? एफ वी होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन जीरो नहीं है, इसमें नेट पावर भी जीरो है, इसमें पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन भी जीरो है, इसमें फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो है, इसमें नेट पावर जीरो होगी, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एफ वी होगी, पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन, पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन, ठीक है, वो माइनस एफ वी हो जाएगी, नेट कर लें तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड पर लग रही होती है। अब ये क्लियर हो गया जीरो कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी रफ सरफेस, नेट पावर तो जीरो क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इंजन की पावर जीरो नहीं है, फ्रिक्शन की पावर जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मूथ सरफेस, नेट पावर भी जीरो, फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो और वैसे इंजन की वजह से भी जीरो। तो ये इसमें बड़ा की पॉइंट है, इनमें से ही एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, इन्हीं को हमने देखना होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अच्छा नेक्स्ट देखें हम लोग कि अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और रफ सरफेस भी है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रफ सरफेस भी है, तो याद रखिए पावर बाय द इंजन जो होगा वो ग्रेटर होगा फ्रिक्शन से, और नेट पावर जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो पॉजिटिव आएगी, नेट पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, रफ सरफेस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो इंजन पावर लगा रहा है, इसका मतलब इंजन जो है वो फ्रिक्शन के मुकाबले में ज़्यादा पावर होता है, जब गाड़ी की स्पीड तेज़ करते हैं तो आप फ्रिक्शन के मुकाबले में ज़्यादा पावर लगाते हैं ना उस वक्त, ठीक है, उस वक्त पावर नेट पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इंजन की पावर जो होगी वो ग्रेटर होगी किसके, फ्रिक्शन की पावर के, ठीक है। फर्ज करें कि अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो फिर इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा पावर लगा रही है एज कंपेयर टू इंजन के, ठीक है, तो उस केस में फिर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उस केस में पावर क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि नेट पावर क्या होती है, फ्रिक्शन वाली कब होती है और इंजन वाली कब होती है। अब नेक्स्ट हम पावर का और टाइम का रिलेशन देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पावर को और टाइम को लिंक करेंगे कि पावर का टाइम से क्या रिलेशन। देखिए एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये आ गया ना पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क अवर टाइम कह लें या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अवर टाइम कह लें, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी कौन सी होती है, ये पोटेंशियल भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, और ये एनर्जी कौन सी हो सकती है, ये काइनेटिक भी हो सकती है, और ये एनर्जी दोनों भी हो सकती हैं। बास का देखो ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा होता है, ठीक है, तो उस वक़्त उसको आप साथ साथ फोर्स भी लगा रहे होते हैं, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर, जैसे कि कार किसी हिली एरिया में जा रही है, हाइट पर जा रही है, मरी जा रही है, किसी हाइट पर जा रही है, तो क्या हो रहा है उसमें कि आप कार को एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हाइट भी गेन हो रही है और वेलोसिटी भी गेन हो रही है। तो जब कार एक्सेलरेट करती है ना अप अ हिल, तो याद रखें पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती है, काइनेटिक भी इंक्रीज करती है और टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करती है उस केस में, ठीक है। तो उस केस में पावर कैसे निकालेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें वो और चीज़ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, वो और केस है, ठीक है। लेकिन कार अगर एक्सेलरेट कर रही हो ना अपवर्ड, कार एक्सेलरेट अप, तो उस केस में क्या होगा, पावर कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, उस केस में फिर ये हो जाएगा। या कोई भी चीज़ अपवर्ड भी जा रही है, हाइट भी गेन कर रही है, वेलोसिटी भी गेन कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, फिर ये दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको फिर सॉल्व करेंगे, एनर्जी ओवर टाइम, काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है, दोनों का सम करके भी आप टाइम कर सकते हैं।
पावर का टाइम से क्या रिलेशन, असल में हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम लोग ये कहें कि एनर्जी जो है ना वो हमारे पास सेम है, तो पावर का टाइम से क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें दो बॉडीज़ हैं, उन्होंने हाइट पे जाना है, ये एक हमारे पास हाइट है इस तरह से, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे पहुंचाते हैं, ये है एक ऑब्जेक्ट ए है, इसको आप हाइट पे पहुंचा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बी इसको भी हाइट पे पहुंचा रहे हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो जाएगी क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि पावर भी सेम हो। तो जो कम वक्त में हाइट पे पहुंच जाएगा इसकी पावर ज़्यादा होगी, एनर्जी बराबर है क्योंकि दोनों पर्सन फर्ज करें कि एक बिल्डिंग की छत पे जा रहे हैं, दो पर्सन वो जा सकते हैं बिल्डिंग की छत पे, तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम कंसिडर होगी, बट दोनों की पावर डिफरेंट कंसिडर होगी। जो पहले जाएगा कम वक्त में जाएगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो याद रखें कि एनर्जी अगर सेम हो आपके पास, ठीक है, तो अगर एनर्जी दो बॉडीज़ की सेम है तो याद रखें पावर का टाइम से फिर इन्वर्स होगा, जो कम वक्त लगाएगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर का टाइम से क्या रिलेशन है, इन्वर्स है। क्या पावर का टाइम से डायरेक्ट भी है, ये एक पॉइंट था इसमें कि पावर का टाइम से डायरेक्ट भी हो सकता है। तो देखें हमारे पास एक और फार्मूला भी है, पावर एफ इंटू वी, ये फार्मूला द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर फोर्स कांस्टेंट है, की पॉइंट है फोर्स कांस्टेंट, इसको आगे लेके चलें, एम ए बी लिख लें, अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। या इसको आप यू लिख लें, एफ को यू रहने दें, वेलोसिटी को आप ए टी लिख लें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देना आप लोग, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे वो कहता है फोर्स कांस्टेंट है, अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब फोर्स का टाइम से क्या रिलेशन होगा, सॉरी पावर का टाइम से क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखें कि अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रोड्यूस होती है, पावर का टाइम से डायरेक्ट हो जाता है। इस केस में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या होगा उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास पावर है, ये टाइम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा अगर फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो पावर का टाइम के साथ जो है वो इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। इसको आप जैसे बॉयल्स लॉ में हम बनाते हैं, इसको आप हाइपरबॉलिक रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट पावर, और आप देखें ग्राफ कौन सा हमारे पास फोर्स का और वेलोसिटी का ग्राफ है, इसमें से पावर कैसे कैलकुलेट होगी। आप ये देखें पावर का फॉर्मूला आप लिखें, पहले पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इज डॉट प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी का क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइकेशन का केस है, अगर मल्टीप्लाइकेशन का केस हो तो फिर आप क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करेंगे फोर्स का और वेलोसिटी के ग्राफ का तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप शेप को देखेंगे कि वो शेप कैसी है, ट्राइंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वेयर है, सर्कल है, कैसी शेप है वो, ठीक है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है। अब आप इसका अगर एरिया निकालेंगे तो वो एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसके पास कितनी है 4, हाइट कितनी है 10, ठीक है, ये बेस है इसकी, ये हाइट है इसकी, आप इसको कैंसिल कर लें तो पावर कितनी आ जाएगी, 20 वाट आ जाएगी, ठीक हो गया। सो एक इस तरह का एमसीक्यू भी आ सकता है कि फोर्स एंड वेलोसिटी का अगर एरिया निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखिए पावर एनर्जी टाइम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर लिखा है जी मैक्सिमम पावर बताएं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब स्लोप से निकालनी पड़ेगी पावर, क्योंकि डिवीजन का केस है। तो मैंने कहा कि जब डिवाइड कर रहा हो कोई फार्मूला तो फिर हम क्या करते हैं, स्लोप पे चले जाते हैं, ठीक है। स्लोप मैक्सिमम पावर का मतलब ये है कि जी स्लोप हमें क्या देगी, जी पावर देगी। अगर स्लोप पावर देगी इसका मतलब है जहाँ पे थीटा ज़्यादा होगा वहाँ स्लोप ज़्यादा होगी, जहाँ स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पावर भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। सो स्लोप क्या है, पावर है। अब यहाँ पे आपने एरिया नहीं निकालना, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप आप देखें किसकी ज़्यादा है, मैं लेबल कर लूँ इसको, इसको ओ कह दें, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। तो किसकी स्लोप ज़्यादा है, देखें बी और सी की स्लोप ज़्यादा है, ठीक है।
बी और सी की स्लोप ज़्यादा है। जब आप पावर निकाल लेंगे यहाँ से, पावर क्या होगी जी, स्लोप, ठीक है। तो हमने बी और सी को सॉल्व करना है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं जी, वाई डिवाइडेड बाई एक्स करते हैं। ये दो पॉइंट आप चूज़ कर लें, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है जी, 30 है देखें यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 30 माइनस 10 कर लें, ये आ जाएगा डेल्टा ई। फिर टाइम देखें यहाँ से निकालना है, ये 15 और ये 10, 15 माइनस 10, ठीक है, ये 20 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ जाएगी पावर, 4 वाट। क्लियर हो गया। सो फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स वेलोसिटी ग्राफ हो तो एरिया निकालते हैं, और अगर एनर्जी टाइम ग्राफ हो तो हम पावर कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप से हमें पावर मिलेगी, मैक्सिमम का लफ्ज़ यूज़ किया तो हमने इसको कैलकुलेट किया। ए और बी में पावर क्या होगी, इस वक्त आप देखें तो एनर्जी कांस्टेंट है, इस वक्त पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ए और ए में पावर होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स आपके पास क्या है जी, 3i + 2j डॉट, वेलोसिटी आपके पास 5i - 4k, ठीक है। ये दोनों को लिख लें आप, बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया। सॉल्व कैसे करना है जी, i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से और k को k से। i 3 5s are 15 और i डॉट i 1 होता है, वो नहीं लिखेंगे आप, i डॉट i 1 होता है, ठीक है। आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा क्योंकि एंगल 90 है, इसलिए हम सिंपल कहते हैं आई को आई से, जे को जे से और के को के से। जे है नहीं है, जीरो, के है नहीं है, जीरो, तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, 15 वाट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन द पावर डिलीवर्ड बाय इट्स इंजन मस्ट बी। तो क्या होगी इसमें पावर, देखें, एक तो ये कि कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि जी फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, फोर्स ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अच्छा, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब, स्मूथ का मतलब है कि देर इज़ नो फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार का इंजन है उसको किसी किस्म की फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो उसके बाद कहते हैं देन पावर डिलीवर्ड बाय इट्स इंजन मस्ट बी, तो पावर क्या होगी फिर, ज़ीरो होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो फोर्स लगाने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है वो खुद ही चलती रहेगी। अगर फोर्स लगाएंगे तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाएगी उस केस में, ये माइंड में रखना है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें इसका कि कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगेन लिखा हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है कि वहां पे कुछ फ्रिक्शन भी है, ठीक हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स है वहां, तो इसका मतलब देन पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, और वेलोसिटी फिर भी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फ्रिक्शन है उतनी इंजन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इंजन की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स, ये फ्रिक्शन कह लें स्मॉल एफ से, और ये इंजन की फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल अप्लाई हो रही होंगी, और नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, लेकिन यहां पे लिखा है पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, पावर डिलीवर्ड बाय द नेट फोर्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन क्या होगी, एफ इंजन मल्टीप्लाइड बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू आप पावर निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स कितनी लग रही है, जितनी फ्रिक्शन है, वेलोसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म आ जाएगी इस केस में, एक यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट पावर लग रही होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग पावर नहीं होगी, ना डिक्रीजिंग पावर होगी, ना जीरो होगी, इसमें यूनिफॉर्म पावर अप्लाई हो रही होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 100 m/s ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग फ्रिक्शन 10 N, फ्रिक्शन कितनी है 10 N, कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। अब पहला सवाल तो इसमें यह आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जी इंजन की तो फोर्स ही गिवन नहीं है इसमें, इंजन की फोर्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना ऑप्शन में प्लस भी आ रहे हैं, माइनस भी आ रहे हैं, तो उसको देख के फिर मैंने कॉस थीटा भी लगा दिया इसमें।
लेकिन लिखा हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो याद रखें फ्रिक्शनल फोर्स और इंजन की फोर्स बराबर काउंट होती है। जितनी फ्रिक्शन दी है वही इंजन की फोर्स काउंट हो जाएगी, क्योंकि इंजन इतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। उससे क्या होता है वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो याद रखें फ्रिक्शनल फोर्स और इंजन फोर्स सेम होती है। अब फ्रिक्शनल फोर्स मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितनी है जी 10, वेलोसिटी कितनी है जी 100, और क्योंकि इंजन की फोर्स और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। जिस तरफ इंजन फोर्स लगाता है उसी तरफ गाड़ी चल रही होती है, जबकि पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन होगा तो फिर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, कॉस जीरो बन जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो वन होता है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1000। और सर इसके यूनिट जो है वो ठीक कर ले, न्यूटन नहीं होंगे। ठीक है, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट इसके क्या होंगे, वाट होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 वाट। क्लियर हो गया? सो पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन 1000 वाट, अगर फ्रिक्शन से पूछे तो फिर क्या कहेंगे, माइनस 1000 कह देंगे इसे। ठीक है जी, बाकी फिर नेक्स्ट में देखते हैं।